नमस्कार, मैं डॉक्टर भट्ट आज आपको अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के बारे में पुनः चर्चा करना चाहता हूं और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का सुस्तीकरण, ये हमें पहले से ही पढ़ रखा है और इससे संबंधित हमने 3 वीडियोस प्रस्तुत किया है। एक में अल्कीन बनता है इथेनॉल के डिहाइड्रेशन से, दूसरे में प्रोपेनॉल के डिहाइड्रेशन से प्रोपीन बनता है और बुटेनॉल के डिहाइड्रेशन से सेट्स रूल के अनुसार 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। एक मेजर प्रोडक्ट होता है और दूसरा माइनर प्रोडक्ट, जिससे कि मेजर प्रोडक्ट 2-बुटीन है। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन आज पुनः डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करना इसलिए अनिवार्य है कि हमें अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हम यूज करते हैं तो एक खास तापक्रम पर, वह है 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बनता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ईथर होता क्या है और ये किस प्रकार से बनता है और इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए इसके बारे में, अब ईथर को अगर हमें समझना है कि ईथर होता क्या है तो ये बहुत ही सरल है। अगर हम वाटर या H2O या जल के मॉलिक्यूल को देखें, जल के मॉलिक्यूल की संरचना को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 2 डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम दोनों तरफ जुड़े हुए हैं और उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं HOH। अब इस HOH के कारण ही इसमें जल के अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जल का क्वथनांक भी अधिक है और प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर हम इस H को, जल के अणु के हाइड्रोजन को, दोनों हाइड्रोजन को एल्किल समूह से अगर विस्थापित कर दें, अलग कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट बनेगा जो ROR होगा। R का मतलब होता है, हमको मालूम है, अल्किल ग्रुप। और ये अल्किल ग्रुप एक से भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर अलग अलग हैं तो हम इसको लिखेंगे ROR-, केवल बताने के लिए कि अलग अलग है, हम दूसरे को R- भी लिख सकते हैं। और तब ये जो यौगिक बनता है, ऑर्गेनिक यौगिक, जिसमें कि ऑक्सीजन, बाइवेलेंट ऑक्सीजन से 2 अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं ईथर। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी विशेषताएं, इसके गुण, क्योंकि एल्किल ग्रुप लगा है, बिल्कुल जल के अणु से अलग है। जल के अणु से मिलता जुलता तो है, हमने समानता तो बता दी, लेकिन क्योंकि एल्किल ग्रुप लगा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये संभव नहीं है, और इसका क्वथनांक भी कम होता है ईथर का, और दूसरी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। तो अब देखें कुछ उदाहरण के साथ कि इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। अब IUPAC के अनुसार भी हम नामकरण करते हैं और पुरानी प्रणाली कन्वेंशनल मेथड से भी हम नामकरण कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन एटम है, इसके एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप लगा है और दूसरी तरफ एक प्रोपाइल ग्रुप लगा है जिसमें कि मिथाइल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो ये जो अगर देखा जाए तो ये ROR- टाइप का मिक्स्ड ईथर है और इसका IUPAC के नाम तो अलग है, लेकिन पहले हम ये बताएंगे कि ये पुरानी प्रणाली के अनुसार मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। और IUPAC के हिसाब से इस दूसरे कार्बन से, ऑक्सीजन से OCS3 जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दें, लंबी श्रृंखला रूट वर्ड वही होगा जिसमें कि वो कार्बन, जिसमें अधिक कार्बन हो, लंबी श्रृंखला हो, तो ये प्रोपाइल है, प्रोपेन है, और मिथाइल प्रोपाइल है, मिथाइल प्रोपेन। तो मिथाइल प्रोपेन तो एक तरफ है और OCS3 दूसरी तरफ है। तो जब OCS3 लगा है, इसको हम बोलते हैं दूसरे कार्बन से लगा है 2-methoxy-2-methyl-propane, इसका IUPAC में नाम है। और इसी प्रकार से अगर दूसरा यौगिक देखा जाए तो फिनाइल ग्रुप लगा है, बीच में ऑक्सीजन है,
तो ये डाई फिनाइल ईथर या सिंपली फिनाइल ईथर भी बोलते हैं पुरानी प्रणाली में, लेकिन कहीं कहीं पर पुरानी प्रणाली ही चलती है, इस केस में हम फिनाइल ईथर कह सकते हैं या डाई फिनाइल ईथर कहते हैं, लेकिन IUPAC के नाम से ये फिनॉक्सी बेंजीन है। फिनॉक्सी, ये देखिए O6H5, ये फिनॉक्सी बेंजीन हो गया। तो अब देखें कि ये किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अल्कोहल की अधिक मात्रा और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड तापक्रम 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर प्राप्त होगा, जल का अणु अलग हो जाएगा। तो ये एक अभिक्रिया है, ये कंडीशन जरूरी है, और इसको हम कहेंगे कि ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है और ये मिथाइल ईथर बनता है, डाइमिथाइल ईथर। उसी तरह से इथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल से डाइइथाइल ईथर बनेगा। ऑर्डिनरी ईथर जो हम कहते हैं वो जो कि एनेस्थेटिक के रूप में भी काम करते हैं, डॉक्टर लोग भी इसको इस्तेमाल करते थे, हालांकि अब तो और कई यौगिक आ गए हैं एनेस्थेटिक के लिए, लेकिन शुरू में इसी को एज एनेस्थेटिक यूज करते थे डॉक्टर, और ये बोलते हैं डाइइथाइल ईथर। तो ये जैसा कि मैंने बताया ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बाई मॉलिक्यूलर इसलिए कि दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के एक विशेष परिस्थितियों में 140 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके ये ईथर या प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये जरूरी है कि अगर कंडीशंस ठीक से नहीं रखी गई तो क्या हो जाएगा, हमें यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बन जाएगा और एल्कीन बन सकता है। तो डाइमिथाइल और डाइइथाइल ईथर के लिए, सिंपल ईथर के लिए ये बहुत अच्छी विधि है। अब देखें इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म तो बहुत ही सिंपल है, दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिल की बात काम करता है, दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर, जो कि अस्थाई होता है, और ये तुरंत एक बॉन्ड OH, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बॉन्ड टूट जाती है और डाइइथाइल ईथर बन जाता है, और ये देखिए ETOH2 इथॉक्सोनियम आयन बन जाता है और जल का अणु अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ईथर किस प्रकार से बनता है और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, ईथर का नामकरण क्या है, ईथर कैसे मॉलिक्यूल हैं, सिंपल में ईथर क्या होता है, मिक्स्ड ईथर क्या होता है, ये हमको ज्ञात हो गया। और ईथर की और विशेष प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हम पुनः अलग से पढ़ेंगे। हमारा ख्याल है इसको आप समझ चुकेंगे आसानी से, और कृपया इसको पुनः देखें, समझें, और मेरे इस वीडियो को या प्रस्तुतिकरण को लाइक करें, शेयर करें, और विश्वास तो है कि सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे।